हिम्मतनगर में कांकणोल पास स्वामिनारायण मंदिर खाते त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો હતો। हिम्मतनगरना कांकड़ोल पासे स्वामिनारायण मंदिर खाते त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો હતો। 5100 જેટલા યુવાનોને त्रिशूल दीक्षा આપવામાં આવી હતી। આ માટે स्वामिनारायण मंदिर में साधु संतोनी उपस्थितिमां विश्व हिंदू परिषद અને बजरंग दल द्वारा आ कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો હતો। विश्व हिंदू परिषद અને बजरंग दल द्वारा साबरकांठा जिल्लाના हिम्मतनगरना कांकड़ोल गाम पासे स्वामिनारायण मंदिर खाते त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रमનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। हिंदू जीवन पद्धति તેમના કેન્દ્રમાં રહે તેવું હંમેશા લવ જેહાદ, લેન્ડ જેહાદ, ગૌહત્યા, धर्मांतरण અને લઘુમતી તૃષ્ટિકરણ જેવી દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓનો પ્રતિકાર કરવા તત્પર રહે તેવા પવિત્ર ઉદ્દેશ્યથી હિંમતનગરના સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયેલ દીક્ષા મહોત્સવમાં ઉત્તર ગુજરાતના સાધુ સંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમની ઉપસ્થિતિમાં 5100 જેટલા યુવકોને દીક્ષા આપવામાં આવી હતી। દીક્ષા મહોત્સવમાં યુવકોએ જોડાઈને સાધુ સંતોનું માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું। દીક્ષાર્થી યુવાનોને સમાજ ઉપયોગી કાર્યોને લઈને સાધુ સંતોએ મહત્વના માર્ગદર્શન આપ્યા હતા। परिषद અને બજરંગ દળ દ્વારા આફત અને કોરોના કાળ દરમિયાન કરેલ સેવાને પણ યાદ કરવામાં આવી હતી। વખતો વખત ત્રિશૂલ દીક્ષા આપવામાં આવતી હોય છે, જેના થકી સમાજ ઉપયોગી કાર્યોમાં જોડાવાનો જુસ્સો અને માર્ગદર્શન ઉપરાંત સમાજની રક્ષા કરવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। સમાજના યુવાનોને શિક્ષિત, સમરસ અને સંગઠિત કરવાનો પણ પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો। આ સાથે જ યુવાનોને ગૌરક્ષા, સંતો સાધુઓ અને વર્તમાન સમયમાં બહેન દીકરીઓની સુરક્ષા અને સલામતી કરવા માટે યુવાનોને પ્રેરણા આપવામાં આવી હતી। આમ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ कटिबद्धता अंगे पण संतो अने उपस्थित प्रवक्ताओं मार्गदर्शन आपी दीक्षा महोत्सव में आपवामां आव्युं हतुं। हिम्मतनगर शहर में आवड़ी मोटी संख्या में एक साथ त्रिशूल दीक्षा युवानो लई रह्या छे। युवानो बजरंग दल अने विश्व हिंदू परिषद में जोड़ाईने समाज सेवा में जोड़ाता होय छे, परंतु विशाल संख्या में हवे त्रिशूल दीक्षा आपवानो आ प्रथमवार कार्यक्रम मोटी संख्यानी दृष्टिए हिम्मतनगर में योजायो हतो। ज्यारे अंतमां उत्तर गुजरातना प्रांत संगठनना मंत्री अशोकभाई पटेले 5100 युवानोने त्रिशूल दीक्षा लई देश, धर्म, गौहत्या, दीकरी पर थता अत्याचारों और संस्कृतिनी रक्षा माटे शपथ लेवड़ाववामां आव्या हता। आ समारंभमां विश्व हिंदू परिषदना पूर्व कार्यकर अने वर्तमानमां साबरकांठा अने अरवलीना सांसद दीपसिंह राठौड़ आ कार्यक्रमना अध्यक्ष तरीके उपस्थित रह्या हता। पूज्य नरसिंह दास जी महाराज, वड़ियावीरना महंत पूज्य शांति गिरी जी महाराज, पूज्य निर्गुण नंद स्वामी, पूज्य मंगलपुरुष स्वामी, योगेश दास जी महाराज, पूज्य सर्वमंगल स्वामी वगैरह पूज्य संतोए भव्य त्रिशूल दीक्षा में उपस्थित रहा था। विश्व हिंदू परिषदना प्रांत अध्यक्ष राजूभाई ठाकुर, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख लक्ष्मणदेव जी, हिम्मतनगर धारासभ्य राजूभाई चावड़ा, हिम्मतनगर नगरपालिका प्रमुख यतीनाबेन मोदी तथा मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं उपस्थित रहा था। उमंग रावल, ZS टीवी, साबरकांठा। प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद राजेश भाई, जे प्रकार आज स्वामिनारायण मंदिर खाते भव्य दीक्षा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम योजना शू समग्र विगत? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलना माध्यम थी आ प्रकारे गत अनेक वर्षों थी त्रिशूल दीक्षानो कार्यक्रम थई रह्यो छे। ए अंतर्गत हिम्मतनगर जिल्ला में गत 3 महीना थी आ प्रकारनी तारामार तैयारी थयेल छे। कोरोना कालखंड में आ प्रकारनो कार्यक्रम करी नता शक्या। ए अंतर्गत आज हिम्मतनगर जिला में 5100 बजरंग दलना कार्यकर्ताओं भव्य त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम बहन, दीकरी, गाय, मंदिर, संतनी सुरक्षा माटे पोतानुं जीवन अर्पण करवानी संकल्पना साथ आ प्रकारनो त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम बजरंग दलना कार्यकर्ताओं समय समय लेता है। ये अंतर्गत आजनो आ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम हिम्मतनगर जिला में श्री स्वामिनारायण मंदिर में थई रह्यो छे। केटला युवानोए आज त्रिशूल दीक्षा लीधी छे? 5100 कार्यकर्ताओं त्रिशूल दीक्षा आज लीधी है। भारत माता ने सुख संपन्न वैभव बनावा, स्वाभिमानी बनावा, स्वावलंबी बनावा अने विश्व कुटुंबकमनी जे कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ने सुख और शांति आपवानो संकल्प ए मात्र ने मात्र भारत अने एनो हिंदू समाज लई शकशे। एटला माटे हिंदू समाज ने अभय वरदान आपवा माटे आ बजरंग दलना कार्यकर्ताओं सतत प्रवाह रह्यो छे। ए अंतर्गत एवो संकल्पबद्ध करवा माटे आ कार्यकर्ताओनो त्रिशूल दीक्षानो कार्यक्रम छे। 21મી સદીનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ કહી શકાય? हाँ, 21મી સદીનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ આ ત્રિશૂલ દીક્ષાનો કાર્યક્રમ છે। અમે ગર્વ અનુભવીએ છીએ કે અમારા પ્રાંતમાં હિંમતનગર જિલ્લામાં આ પ્રકારનો એક કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને અન્ય કાર્યકર્તાઓને આ પ્રકારની પ્રેરણા લઈને સંપૂર્ણ હિન્દુ સમાજને સુરક્ષિત બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે। જય શ્રી રામ। शिवपेलेस रस सेंटर। धमाकेदार गर्मीनी साथे साथे अमो प्रांतिज शहरमां शिवपेलेस रस सेंटर शरू करी दीधेल छे। सुगरकेन प्योर हाइजेनिक ऑर्गेनिक ताजो अने शुद्ध शेरडीनो रस मात्र ने मात्र शिवपेलेस रस सेंटर पर मळशे। साबरकांठा जिला में सौप्रथम सुगरकेन हाइजेनिक ऑर्गेनिक शेरडीनो प्योर रस प्रांतिज शिवपेलेस खाते मळशे। हवे बरफथी छुटकारो अने बरफथी थती बीमारीओथी पण छुटकारो। शेरडीनो ताजो अने हाइजेनिक ऑर्गेनिक शुद्ध रस पीवो मात्र ने मात्र शिवपेलेस खाते। हाल चाली रहेली कोरोनानी महामारी में हाइजेनिक ऑर्गेनिक सुगरकेन प्योर शेरडीनो ताजो रस शरीर माटे खूब ज छे लाभदायक। सुगरकेन हाइजेनिक ऑर्गेनिक शेरडीनो रस आपना अने आपना बाळको परिवारना स्वास्थ्य माटे हिताव। शुभ प्रसंगो माटे केरीनो रस, शेरडीनो रस, श्रीखंड, मठो, बासुंदीना ऑर्डर माटे संपर्क करो शिवपेलेस रस सेंटरनो। प्रेम अने विश्वासनु अतूट बंधन शिवपेलेस रस सेंटर। स्थळ शिवपेलेस रस सेंटर निर्माण कॉम्प्लेक्स, एप्रोच रोड, HDFC बेंकनी सामे, प्रांतिज, जिल्लो साबरकांठा। અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 9163520014। बाखरिया बस स्टैंड नी बिल्कुल नजदीक दरेक परिवार ने पोसाय तेवा बजेट ना आधारित प्लॉट प्रांतिज नगरपालिका नी हद में एने प्लॉट तथा दुकानों बाळको माटे प्ले एरिया रहेणांक प्लॉटों ना प्रवेश माटे आकर्षक मेन गेट दरेक प्लॉट ने पानी नी पाइपलाइन नी सुविधा सोसायटी ना फरते सिक्योरिटी ने अनुलक्षी कम्पाउंड वॉल सोसायटी ना नाना मोटा प्रसंगों माटे डेवलप्ड कॉमन प्लॉट सोसायटी नी जरूरियात ने अनुलक्षी बहारना भागे कॉमर्शियल सेंटर दरेक प्लॉट नी आगळ नाना आकर्षक फूल झाड़ ग्रीन एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट प्रांतिज में रहेणांक प्लॉट लेवा माटेनी सुविधाओं वसुंधरा विला कॉम्प्लेक्स एक नवी एवी जग्या बनशे ज्यां जीवन जरूरियात माटे जरूरी दरेक वस्तुओनी खरीदी माटे छे मोकानी जग्या अने पूरती मोकळास प्रोविजन स्टोर होय के डेरी पार्लर। एकवार वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में तमारो बिजनेस शुरू थशे तो पछी तमे पण बनी जशो घर घर में जाणीता ना। NOC तथा टाइटल क्लियर रहणांकना जूज प्लॉटो बाकी। साइड एड्रेस वसुंधरा विला अने कॉम्प्लेक्स गजानंद सोसायटी नी सामे बाखरिया बस स्टेन्ड थी अमीनपुरा रोड प्रांतिज। ऑफिस एड्रेस वसुंधरा एसोसिएट्स G10 सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स ग्रामीण बैंक नी बाजू में एप्रोच रोड प्रांतिज। संपर्क संजय पटेल पोंगलू मोबाइल नंबर छे 94 281 86 880। राजेश पटेल वदराड मोबाइल नंबर छे 99 245 55 451।